जर्नी मेरी एक महीने की स्टार्ट ऐसी हुई थी, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी में जाकर पता चलता, टिकट खोला तो पता चला कि हैदराबाद जाना है। तो वैसे ही मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ था, और तभी मेरे पास ना ही कोई फ़ोन है, बस जेब में 500 रुपये थे और टिकट दे दी थी जाने की। वहाँ पर जाकर मुझे टास्क ये था कि हर महीने, ये पूरा एक महीने में मुझे एक ही जगह पर जॉब ढूंढ कर सेटल होना, वैसा नहीं, पर हर एक बार जॉब मिल जाए, एक वीक वहाँ पर काम करके फिर दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह वापस न्यू चैलेंज, सेकंड वीक एज अ फर्स्ट डे मेरे को वो चैलेंज करना, और उसमें मुझे ये भी नई जगह ढूंढना और खाने की रहने की सब जगह ढूंढना। इसलिए वो एक मेरा टास्क था जिसने मुझे पता चले कि अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो हम कैसे मैनेज कर सकें, फिर कैसे मैं सबसे कम लाइक पैसों से भी मैं अपना लिविंग और फिर जॉब ढूंढ सकता हूँ अपने मेहनत से। और वैसे और दूसरा कि पैसे की वैल्यू करना, क्योंकि मैं जो फैमिली से आ रहा हूँ, जिससे जैसे मेरी परवरिश हुई है, उससे हमें हमारे पिताजी ने जो जैसे मेहनत की थी वो हमें कभी मिली नहीं, इसलिए वो हमें एहसास दिलाने के लिए और उस वो जर्नी कैसे में आनंद करना है वो हमें यहाँ पर इससे सीख मिलती है। और वही मुझे ये एक महीने में मुझे 4 जॉब मिली, यहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझकर, मेरी मेरी डिफ़िकल्टी समझकर मुझे जॉब भी दे दी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि तुम्हें आइडेंटिटी के लिए प्रूफ चाहिए, सब चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पर ये मेरा एक चैलेंज था कि मैं वो दे नहीं सकता था, इसलिए कैसे भी करके एक जगह से मैंने रेज्यूमे भी मदद सहायता के लिए रूप में मुझे मिल गई, और वो रेज्यूमे फिर मैं सबको देता था। रेज्यूमे में भी सब जगह जाता था तो लोगों को ऐसे लगता था कि ओके चलो ये कुछ अच्छा लड़का होगा, कुछ काम कर लेगा, इसलिए उसको जॉब में रख देते थे। उस हिसाब से लोगों ने मुझे मदद की, और रहने की जगह में भी मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने ऐसे 3 जगह पर रहा, सिकंदराबाद में रहा RK लॉन्च करके रेलवे स्टेशन के पास, और फिर मैं रहा ये बंसीलाल पेट में, वहाँ पर जो दूसरी जॉब कर रहा था उन्होंने मुझे रहने का दे दिया था, इसलिए खर्चा नहीं हो रहा था। और तीसरा मेरा ये अवंती नगर था, बशीरबाग, तो वहाँ पर मैं जॉब करता था, और वो मेरा रहने का अच्छा था पर ट्रैवलिंग ज़्यादा था, तो मेरे को वहाँ से जुबली हिल्स एवरी डे जाना, और वैसे मेरा रहने का होता था, और लोग ऐसे अच्छे मिले, जैसे एक व्यक्ति है रुद्रगुप्त, उन्होंने मुझे मेरे भावनाओं का, मेरी समस्या समझ कर उसको ऐसा फीलिंग हुआ कि उसने मेरे पर विश्वास रख के उसका घर दे दिया, उसके जो दूसरा घर था वो मुझे घर दे दिया रहने के लिए, और फ़ोन नहीं था तो उसने उसका फ़ोन दे दिया। तो ये भावनाओं मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग एक स्ट्रेंजर को जो अनजान शहर में आया तो उसको वे कैसे दे सकता है ऐसा, तो वो भी काफ़ी मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। खाने में भी मैं प्योर वेजिटेरियन रहा, इसलिए मैं काफ़ी जगह ढूंढता था, और मुझे 20 रुपये में अच्छी सी प्लेट भी मिल जाती थी, और रोटी में तो खाता था, राइस तो कभी खाया नहीं, तो यहाँ पर आकर राइस भी खाने लगा तो अच्छा सा पेट भर जाता था। वैसे तो इडली की बात करूँ, इडली मेरी फेवरेट है, तो मैं इडली, अगर एक प्लेट में 2 इडली आती है वो 130 रुपीज़ की, 140 रुपीज़ की होती है। अगर मैं ताज या अगर ऐसे में जाऊँ तो फिर वो 200-300 की होती है। वो मैंने यहाँ पर 20 रुपये में भी मुझे 4 इडली मिलती थी, 25 रुपये में 4 इडली मिलती थी, तो मतलब वैसे मेरा सुबह का खाना हो जाता था, और लंच में और डिनर में तो मैं राइस खा लेता था, राइस और सांभर। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने BBA किया है, और 3.5 साल मैंने न्यूयॉर्क रहा था, और बस मुझे 20 दिन हुए थे ये जॉब्स, ये 1 मंथ ट्रेनिंग करने से पहले कि मैं US से आया था। तो ये पूरा मेरा जर्नी वैसा था कि मैं US में था, और फिर यहाँ से फिर मैं पूरा अभी 0 हो गया था, और मेरे को अपने खुद से रहना था, पर मुझे भगवान से और लोगों से बहुत प्रार्थना करता हूँ और बहुत खुशी मानता हूँ कि मुझे सब जगह बहुत अच्छे लोग मिले। और लाइफ में एक तो ऐसे लगा कि सिर्फ पैसा ही एक ऐसा चीज़ नहीं है कि जो खुशी दे दे, पर एक एक चीज़ जब जॉब मिली तब मुझे पैसों से ज़्यादा खुशी मिलती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास रहने के लिए और खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये जॉब मिलने से मुझे एक खुशी होती थी कि चलो मुझे ये जॉब मिल गई और अब मैं काम कर रहा हूँ, तो ये छोटी छोटी खुशी भी बहुत ही अच्छी और यादगार रही। हैदराबाद के बारे में ऐसे कहा जाए तो लोग बहुत अच्छे मिले, पहले तो सब जगह बहुत मदद करते थे, मैंने 15 से 16 राइड की और सभी राइड मुझे अच्छी तरह से दे देते थे। वैसे डर लगता था कि ये आदमी कुछ मुझे दूसरी जगह ले जाए, क्योंकि अनजान शहर था, इसलिए फिर भी अच्छी तरह मुझे सब जगह पहुंचा देते थे। और ये भावनाओं की मुझे अभी भी वो समझ में नहीं आता
कि वो विश्वास आया कैसे, पर उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ यहाँ के पूरे स्टेट में कि सभी लोग ने, सभी एरियाज में जहाँ पर भी मैं रहा, सब ने एक अच्छे भावना से, एक मदद के नज़रिए से देखकर मुझे जॉब दिला दी, खाने का भी दिला दिया और रहने का भी दिला दिया। डिफ़िकल्ट पार्ट यही था कि एडजस्ट कैसे करना। अभी मैं मेरे घर पे रहता था, एक बेड एक रूम था मेरा होता है, पर यहाँ पर मुझे कैसे छोटी जगह पर भी अच्छी तरह से रहना और फिर अपना गुजारा करना, खाने का भी जो एक थाली में 6-7 आइटम थी, पर कैसे पेट भरने के लिए तो 25 रुपये भी काफ़ी है, तो वहाँ से भी गुजारा हो जाता है और अच्छी तरह लाइफ भी हम जी सकते हैं। मेरी अगर कैपेसिटी हो तो एक महीने में काम करूँ तो मेरे को अच्छा सा काम मिलकर मैं खुद के पैसे से 2 महीने में मैं खुद का घर भी ले सकता हूँ, इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। और वो मुझे यहाँ पर फील हुआ कि अगर मेहनत करके अगर दौड़ो रास्ते पर, अलग अलग जगह पर जाओ तो जॉब तो मिल ही जा सकती है, इम्पॉसिबल तो ऐसे था ही नहीं। अगर कुछ करने की अगर अंदर से ऊर्जा है तो तुम कुछ भी पा सकते हो।